महाराष्ट्र की ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेडकर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। फर्जी सर्टिफिकेट डिमांड्स की लिस्टों का टेंशन अभी कम भी नहीं हुआ था कि अब उनकी मां का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वायरल वीडियो में पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर पिस्तौल लहराती हुई नजर आ रही है, पिस्तौल के साथ दिख रही है, एक किसान से बहस कर रही है। पूजा की मां पर जबरन जमीन हड़पने की कोशिश का आरोप है। वीडियो में पूजा खेडकर की मां पिस्टल के साथ दिख रही हैं और वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। अब पुलिस की कोशिश है कि पूजा की मां पर आर्म्स एक्ट के समेत 8 अलग अलग धाराओं के तहत केस चलाया जाए। गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है पूजा की मां के ऊपर, मनोरमा देवी पर। अब पहले पूजा खेडकर, उसके बाद मॉक इंटरव्यू का वो वायरल वीडियो जिसमें वो पिता से अलग रहने का दावा कर रही थी, जबकि उनके पिता ने 2024 में लोकसभा चुनाव में लड़ने के दौरान, जब वो चुनाव लड़ रहे थे, तो ऐसा कोई जिक्र नहीं किया था कि उनका परिवार उनके साथ नहीं रहता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से पूजा खेडकर की मां हाथों में पिस्तौल लिए किसान को डरा रही है, धमका रही है। अब पूजा खेडकर की मां का वायरल वीडियो पहले आपको दिखाते हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो 5 जून का है, 2023 का। पुणे के मुलशी के धड़ावली गांव का यह दावा है कि किस तरह से यहां पर उसकी मां पहले पहुंचती है, बहस शुरू हो जाती है और उसके बाद देखिए क्या होता है। है कि पूजा की मां जमीन पर कब्जे को लेकर किसान को धमका रही हैं। पीड़ित किसान का आरोप था कि मनोरमा खेडकर ने बाउंसर की मदद से जबरदस्ती जमीन हड़पने की कोशिश की। तो तस्वीरों में आपने देखा कि किस तरह से जो मनोरमा देवी है, मनोरमा खेडकर है, वो डरा रही हैं। ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर पहले से ही विवादों में है। अब उनकी लग्जरी डिमांड, सर्टिफिकेट्स में हेरफेर, तमाम चीजें सामने आई। अब उनकी मां का यह वीडियो आ गया है, पूजा खेडकर की मां का यह वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में पिस्तौल के साथ मनोरमा खेडकर नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है, लोग लगातार इस पर कमेंट्स भी कर रहे हैं। जमीन हड़पने की कोशिश की गई आरोप है पूजा खेडकर की मां के ऊपर। किसानों को डराने धमकाने का भी आरोप लगा है मनोरमा देवी पर। अब वीडियो सामने आने के बाद विवाद और बड़ा है, पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है। हालांकि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये पिछले साल का है, लेकिन जिस तरह से मनोरमा देवी यानी मनोरमा खेडकर आईएएस पूजा खेडकर की मां धमका रही है और जिस तरह से अपने हाथ में बंदूक लिए एक किसान को डराने की कोशिश कर रही है, यह बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार ये सोच कहां से आती है। मैंने जैसे पहले ही आपको बोला, आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू से एनीथिंग टू द मीडिया। मेरा जो भी सबमिशन होगा मैं वो कमिटी को कर दूंगा। आपकी मदर का एक वीडियो है जिसमें वो हाथों में गन लेकर नजर आ रही है, इस पर क्या कहेंगे? मैं आपको वही बोल रही हूँ, आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू टॉक ऑन दिस इशू एंड मेरा जो भी सबमिशन होगा, जो भी है, आई विल गिव इट टू द कमिटी, बट आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू से एनीथिंग टू द मीडिया। अब पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। आर्म्स एक्ट समेत 8 अलग अलग धाराओं में केस दर्ज हुआ है। कौन कौन सी धाराएं हैं? किसानों को धमकाने का आरोप है, साथ ही साथ पिस्टल लहराते हुए दिखी है मनोरमा देवी। 8 धाराओं में केस दर्ज हुआ है, 323, 144, 504, 147, 506, 148, 143 और 149, इन धाराओं में केस दर्ज हुआ है। और इन धाराओं के तहत जो आरोप लगे हैं उसमें है किसान को धमकाने का आरोप है, साथ ही साथ पिस्टल लहराते हुए मनोरमा देवी देखी है, तो उसमें भी आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। साथ ही साथ इसके अलावा 8 और वो धाराएं हैं जिसमें धमकाना है, किसी के जमीन को जबरन हड़पना है। ये तमाम जो धाराएं हैं और जो मुकदमे हैं अब इनकी मां के ऊपर थोपे गए हैं, क्योंकि जो वीडियो आया है उसमें साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से वो एक किसान के ऊपर अपने रुतबे का, अपने रसूख का वो दबदबा दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं साकेत। साकेत, ये जो वीडियो सामने आया है, इस वीडियो के जरिए, क्योंकि मराठी में बातचीत हो रही है, आप हमें बताएं कि क्या वो कह रही है और वो जो किसान है क्या बताने की कोशिश कर रहा है, और इस फिलहाल इस मामले को लेकर जो सियासी हलके हैं वहां पर किस तरह का रिएक्शन है?
बिल्कुल देखिए अमित, जिस तरह से लगातार पूजा खेड़कर को लेकर अलग अलग मामले सामने आ रहे हैं, इससे ये बात तो बिल्कुल साफ है कि वो चौतरफा मुसीबत में घिरी हुई नजर आ रही हैं। आपको बताएं कि ये वीडियो जो सामने आया है, इसमें अगर आप ध्यान से सुने तो मराठी भाषा में किसान साफ तौर पर पूजा खेड़कर की माँ से साफ तौर पर ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि कोर्ट के आधार पर, कोर्ट ने जो फैसला दिया है, या जमीन जो है वो हमारे नाम पर है, और वही वो कहती हुई नजर आ रही है कि 7 बार मराठी भाषा में जो जमीन का हिस्सा है वो हमारे नाम पर है और इसीलिए आपका कोर्ट का जो ऑर्डर है वो हमें लाकर दिखाइए। वहीं दूसरी तरफ वो बंदूक पिस्टॉल जो है वो भी लहराती हुई नजर आ रही है और किसान को धमकी देने की कोशिश कर रही है। और इसी सिलसिले में आपको बताएं कि पुणे की रूरल पुलिस की तरफ से ये मामला दर्ज किया गया है। आपको बताएं कि जब ये मामला हुआ उस वक्त ये वीडियो वायरल नहीं हुआ था, लेकिन जब इस पूरे मामले में विवादों में पूजा खेड़कर घिरी, उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया और अब एक के बाद एक जिस तरह से इस मामले में खुलासे हो रहे हैं, उसके बाद न केवल पूजा खेड़कर बल्कि उनके परिवार की भी मुसीबतें जो हैं वो बड़ी हुई नज़र आ रही हैं। और ये मामला केवल उनके ऊपर ही नहीं बल्कि दिलीप खेड़कर, उनके पिता, इसके अलावा अंबादास खेड़कर, उनके परिवार का एक सदस्य और जो 2 बाउंसर समेत महिलाएँ भी वहाँ पहुँची थी, उनके ऊपर भी ये पूरा मामला दर्ज किया गया है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले में क्या इन्वेस्टिगेट करती है और आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। आपको बता दें कि रश्मि शुक्ला DGP की तरफ से ये बात जो है कह दी गई है SP पुणे रूरल पुलिस को कि आप इस मामले में जांच करिए और रिपोर्ट सौंपिए। तो कहीं ना कहीं पुलिस की हायर अथॉरिटीज़ भी इस मामले पर लगातार नज़र बनाई हुई हैं। एक तरफ जहां उनकी मां पर ये पूरा मामला चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि कल नवी मुंबई पुलिस की तरफ से भी एक रिपोर्ट सौंपी गई जिसमें कहा गया कि पूजा खेड़कर ने अपने रुतबे का फ़ायदा उठाते हुए एक DCP रैंक के अधिकारी को फ़ोन किया और एक अपराधी को छोड़ने की बात कही थी जिसके ऊपर स्टील चोरी का आरोप लगा था। तो पूजा खेड़कर लगातार एक के बाद एक जिस तरह से उनकी कार्यशैली है उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और यही कारण है कि अब लगातार ये मामला जांच का विषय बना है। वहीं पर आपको बताएं कि जिस तरह से एक कमेटी का गठन किया गया है जिसकी रिपोर्ट के आधार पर ये निर्धारित होगा कि क्या पूजा खेड़कर की नौकरी उस रिपोर्ट में साकेत एक तो जिक्र ये भी है जो OBC क्रीमी लेयर का जिक्र है और नॉन क्रीमी लेयर यानी कि नॉन क्रीमी लेयर से वो आई है। लेकिन इस वक्त जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में देखिए उनकी माँ को देखिए और उनकी माँ इस जमीन सौदे को लेकर गई है, हाथ में पिस्तौल है, लाइसेंसी पिस्तौल ही नजर आ रहा है और साथ ही साथ इस पिस्तौल की कीमत भी आप मान के चलिए कि अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की है जो भारत में बिकती है, जो कोई भी सिविलियन ले सकता है, वो भी करीब करीब 1,00,000 के ऊपर चली जाती है। और साथ ही पीछे जो गाड़ी खड़ी है, यहाँ से लगती है कि जो गाड़ी है वो महंगी गाड़ी है, उस गाड़ी की कीमत भी करीब करीब 2 करोड़ की होगी। तो ऐसे में जो नॉन क्रीमी लेयर वाली बात सामने आई सर्टिफिकेट में, ये वीडियो तो कुछ और ही बताता है। बिल्कुल देखिए, पूजा खेड़कर का जो रैंक था वो 821 था और OBC कोटे से उन्होंने अप्लाई किया था और उसी के आधार पर उनकी ये रैंकिंग आई है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो सर्टिफिकेट UPSC को दिया था उसकी भी फिलहाल जांच की जा रही है, लबासना को भी ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। आपको बता दें, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि उन्होंने, ठीक है, आप नजर बनाए रखिए क्योंकि आगे अब पुलिस क्या कार्रवाई करती है उस पर पूरे देश की नजर है। एक तरफ पूजा खेड़कर, अब उनकी मां मनोरमा खेड़कर जिनका ये वीडियो वायरल हो रहा है।